चरण भक्ति में लीन अंध भक्तों ने सारी हवे की पा। शंकराचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा का किया विरोध तो शंकराचार्य को बदनाम करने पर उतरे। शंकराचार्य के खिलाफ बड़ी साजिश का हो गया भंडाफोड़। एक एक मोदी एंकर, एक एक पत्रकार हो गया बेनका। सच्चाई सामने आते बन गए शुतुरमुर्ग। आका की साख को बचाए रखने के लिए अपने ही धर्म गुरु को कर रहे बदनाम। शंकराचार्य पर लगाए मुस्लिम हितैषी होने के आरोप, हो गया भंडाफोड़। तो इसीलिए कोई भी शंकराचार्य चार शंकराचार्यों में से वहां नहीं जा रहा। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के इस बयान को तो आप सुन चुके हैं, जानते हैं इनकी मांग क्या है। बस इतनी कि जब तक मंदिर पूरा नहीं बन जाता तब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। लेकिन फर्जी राष्ट्रवादियों की सेना ने अपने ही धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे धर्म गुरुओं को ही बदनाम करना शुरू कर दिया है। अभिमुक्तेश्वरानंद की खुली चुनौती के बाद मैदान में छोड़ दिए गए वो दिहाड़ी मजदूर जो कल तक मुसलमानों के खिलाफ और विपक्षी पार्टियों के खिलाफ खुलकर गंदगी फैलाने के लिए जाने जाते थे। इस तस्वीर में आपको कई साधु संतों के साथ साथ अभिमुक्तेश्वरानंद नजर आ रहे होंगे। पीछे एक सफेद रंग की पोशाक पहने सिर पर कपड़ा बांधे शख्स भी नजर आ रहे हैं। अब दिहाड़ी मजदूरों ने अभी मुक्तेश्वरानंद को बदनाम करने की सुपारी ले डाली है। तो इस तस्वीर के जरिए ये साबित करने में जुट गए हैं कि जो शंकराचार्य मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं, दरअसल वो राम विरोधी है, हिंदू विरोधी है। उनको मंदिर से ज्यादा मस्जिद और दरगाहों की चिंता है। गोदी चैनल पर काला सफेद करने वाले चरण जाटुकार एंकर के नाम से बने इस ट्विटर हैंडल के ट्वीट को देख लीजिए। इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा गया है कि मूर्त गलत बताकर अयोध्या नहीं जाने वाले बाबा जी शुभ मुहूर्त में अपने इष्ट की पूजा करते हुए। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही सारी की सारी सच्चाई सामने आ गई। दरअसल जिसे दरगाह और अजमेर शरीफ बताकर अपने आका को खुश करने की कोशिश मुट्ठी भर दिहाड़ी मजदूर कर रहे हैं, वो तस्वीर रामदेव पीर समाधि की है जो राजस्थान में है। तस्वीर साल 2007 की है जिसकी पुष्टि खुद उस आश्रम के संचालक ने की है जिसे मुसलमान बताते हुए अंधभक्तों की फौज अपने ही धर्म गुरु को बदनाम करने में जुटी है। मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया है कि अंधभक्तों का यह दावा पूरी तरह से फर्जी है, ये किसी दरगाह की नहीं बल्कि राजस्थान में रामदेव पीर समाधि की तस्वीर है जो हिंदू थे। सोचिए सिर्फ अपने आका को खुश करने के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता कि अपने ही धर्म, अपने ही लोग, अपने ही धर्म गुरुओं को बदनाम कर रहे हैं। हकीकत में ये हिंदू और राष्ट्रवादी नहीं है, ये फर्जी है। स्पेशल डेस्क द कंटाप्ट।